नमस्कार दोस्तों, कैसे पता चलेगा आपका मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया है या सही है। मोटरसाइकिल चलाने के टाइम पे अगर आपका ऐसा कुछ सिम्टम आता है तो समझ लेना चाहिए कि आपका स्पार्क प्लग खराब हो गया है। मैं आज का वीडियो में कुछ ऐसा सिम्टम आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग जो है वो लगभग खत्म हो गया है या फिर उन्हीं तरीके से खत्म हो गया है। स्पार्क प्लग से रिलेटेड ऐसे मेजर 7 पॉइंट पे मैं आज डिस्कस करूंगा जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रही है, और आखिरी वाला जो पॉइंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो में जुड़े रहें। नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 है मोटरसाइकिल का स्टार्ट नहीं होना। अगर मोटरसाइकिल आपका किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपका जो है स्पार्क प्लग को ही चेक किया जाता है। अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो मैकेनिक भी सबसे पहले स्पार्क प्लग ही देखेगा। दूसरा पॉइंट, मोटरसाइकिल अगर किसी तरीके से स्टार्ट हो भी जाता है तो वो मिसिंग करेगा, स्टार्ट जो है वो अनस्टेबल रहेगा। तीसरा पॉइंट है मोटरसाइकिल से पेट्रोल का स्मेल आना। तो स्मेल कहाँ से आता है? जो हमारा मोटरसाइकिल का जो हेड सिलेंडर होता है, अगर आप बहुत बार किक या फिर सेल्फ यूज करेंगे तो हेड से आपका हल्का या फिर भारी पेट्रोल का स्मेल आ सकता है। पेट्रोल का स्मेल आने का क्या रीजन है, तो इसको जानने के लिए पहले आप इस कंबर्शन चेंबर का जो वर्किंग का प्रोसेस है उसको समझना होगा। कंबर्शन चेंबर में एयर और पेट्रोल का सप्लाई होता है, उसके बाद स्पार्क जनरेट होता है, उसके बाद हमारा मोटरसाइकिल का जो पिस्टन होता है उस पर दबाव आता है, मतलब प्रेशर आता है, उसके बाद ही जो इंजन है वो एक्टिव होता है। अगर आपका स्पार्क प्लग से अगर स्पार्क ही जनरेट नहीं होगा तो वो पेट्रोल जलेगा ही नहीं। अगर पेट्रोल नहीं जलेगा तो आप जितनी बार किक या फिर सेल्फ यूज करेंगे तो वो पेट्रोल जो है वो वहां पे ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा, और इसीलिए पेट्रोल का स्मेल आ सकता है। फोर्थ सिम्टम जो है वो माइलेज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब माइलेज बढ़ेगा नहीं, माइलेज घटेगा। अगर आपका स्पार्क प्लग अगर खराब हो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो आपका जो माइलेज है वो बेहतर नहीं मिलेगा, वो माइलेज आप लोगों को कम ही देखने को मिलेगा। तो इसका क्या रीजन है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि कंबर्शन चेंबर में पेट्रोल और एयर मिक्सचर होके स्पार्क जनरेट करता है, उसके बाद ही जो कंबर्शन चेंबर का जो पिस्टन होता है वो प्रेशर बनाता है और इंजन को रोटेट करता है, उसके बाद ही हमारा मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो माइलेज के लिए दोस्तों अगर स्पार्क ठीक तरीके से जनरेट नहीं होगा तो जो पेट्रोल सप्लाई होता है वो ठीक तरीके से वो बर्न नहीं हो पाएगा, तो जितना चाहिए पेट्रोल जलना वो नहीं जलेगा, ज्यादा मात्रा में जो पेट्रोल है वो वेस्टेज हो जाएगा। अगर पेट्रोल ज्यादा मात्रा में वेस्टेज हो जाएगा तो माइलेज भी घटेगा, तो इसके लिए आपका मोटरसाइकिल में माइलेज आप लोगों को बेहतर नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आरपीएम अनस्टेबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपना इग्निशन ऑन करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आरपीएम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, कभी कभी आरपीएम बढ़ेगा, कभी कभी आरपीएम घटेगा। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बैकफायर करना, मतलब साइलेंसर से ब्लास्ट होने का साउंड आप लोगों को मिलेगा, मतलब जैसे साइलेंसर से कुछ फट रहा है। कंबशन चैम्बर में जब स्पार्क प्लग खराब होगा, अगर स्पार्क प्लग से स्पार्क ही जनरेट नहीं होगा तो जब पेट्रोल सप्लाई आएगा तो आप जितने बार किक या फिर सेल्फ यूज करेंगे तो उतने टाइम ही वहां पे कंबशन चैम्बर में उस जगह में पेट्रोल जमा होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा पेट्रोल और वहां पे जमा होने का जगह नहीं मिलेगा, तो उसको दबाव बनाना पड़ेगा। तो दबाव बनाने के लिए वो पिस्टन को नीचे ढकेल नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे ढकेलने के लिए दोस्तों स्पार्क जनरेट होना जरूरी है। अगर स्पार्क जनरेट नहीं होगा तो वो पेट्रोल क्या करेगा, वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, तो अगर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलेगा तो वो ब्लास्ट करेगा, साइलेंसर से बैकफायर होगा। तो यही रीजन है दोस्तों बैकफायर होने का। बैकफायर होने का दूसरा भी एक रीजन होता है, वो होता है हमारा जो मैग्नेट साइड है वहां से। अगर मैग्नेट साइड में अगर मैग्नेट कवर जो होता है वो अगर लूज होता है, ठीक तरीके से अगर फिटिंग नहीं हुआ है, या फिर अगर मैग्नेट कॉइल एक तार भी मैग्नेट कॉइल का अगर कटा हुआ मिलेगा तो भी बैकफायर कर सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे क्या है दोस्तों, स्पार्क प्लग बार बार क्यों खराब होता है?
एक होता है दोस्तों, अगर आपका कार्बोरेटर में ज्यादा मात्रा में मैला जमा हो जाएगा या फिर डस्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा, तो भी आपका जो स्पार्क प्लग है वो खराब हो सकता है। कई कस्टमर मेरे पास आता है, वो बोलता है कि भाई देखो मेरा गाड़ी तो 10-15 किलोमीटर चला है और बार बार जो है वो स्पार्क प्लग खराब हो जा रहा है, तो इसका कुछ समाधान निकालो। तो इसके लिए दोस्तों दो रीजन होता है। पहला रीजन है, अगर आपका कार्बोरेटर में ज्यादा मात्रा में मैला मिलेगा तो आपका स्पार्क प्लग खराब होगा। और दूसरा रीजन है दोस्तों, अगर आपका सिलेंडर पिस्टन में अगर इंजन ऑयल आ जाता है किसी भी कारण से, तो भी आपका जो स्पार्क प्लग है वो खराब होगा। जनरली होता है दोस्तों, हमारा कंबशन चेम्बर में खाली पेट्रोल और एयर का सप्लाई ही होता है, इंजन ऑयल का सप्लाई कंबशन चेम्बर में नहीं होता है। कंबशन चेम्बर में एयर और पेट्रोल का सप्लाई ही होता है। अगर किसी भी कारण से पेट्रोल और एयर की जगह इंजन ऑयल आ जाता है, तब भी आपका स्पार्क प्लग जो है वो खराब मिलेगा। इसको नोटिस करने के लिए एक सिंपल रीजन है, जो स्पार्क प्लग जब आप ओपन करेंगे अगर गीला हो जाएगा, तब आपको समझना चाहिए कि आपका हेड सिलेंडर में इंजन ऑयल जो है वो आ जा रहा है। फिर आपका इंजन ऑयल भी चेक करना होगा, उसका लेवल घटा है या फिर ठीक ठाक है। अगर इंजन ऑयल का लेवल जो है वो घट गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इंजन ऑयल जो है वो बर्न हो जा रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, स्पार्क प्लग कितने टाइप का होता है। स्पार्क प्लग 5 टाइप का होता है। पहला होता है आपका कॉपर स्पार्क प्लग, दूसरा होता है आपका इरिडियम स्पार्क प्लग, तीसरा होता है प्लाटिनम स्पार्क प्लग, फोर्थ होता है आपका सिल्वर स्पार्क प्लग और फिफ्थ होता है आपका निकेल स्पार्क प्लग। फोर्थ पॉइंट है, स्पार्क प्लग का लाइफ कितने टाइम तक होता है, मतलब एक स्पार्क प्लग कितने किलोमीटर तक चलेगा। कंपनी रिकमेंडेड करती है दोस्तों, इरिडियम स्पार्क प्लग और प्लैटिनम स्पार्क प्लग जो होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी स्पार्क प्लग है वो 10 से 12 हजार किलोमीटर तक चलेगा। इरिडियम स्पार्क प्लग और प्लैटिनम का जो स्पार्क प्लग होता है वो 1 लाख किलोमीटर तक चल सकता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। मतलब इरिडियम स्पार्क प्लग और प्लैटिनम जो स्पार्क प्लग है, बाकी जो 3 स्पार्क प्लग है उनसे 10 गुना महंगा है। फिफ्थ पॉइंट है, स्पार्क प्लग का प्राइस कितना होता है। जो इरिडियम और जो प्लैटिनम जो स्पार्क प्लग है वो 800 से 3000 के बीच में है। कॉपर सिल्वर और निकल का जो स्पार्क प्लग होता है उसका प्राइस अराउंड 100 से आपका 200 रुपीज तक रहता है। सिक्स्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो स्पार्क प्लग है इसका मेजरमेंट, मतलब इसका जो गैपिंग होता है, ये जो गैप है इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए। स्पार्क प्लग का जो गैप होता है उसका मेजरमेंट दोस्तों 0.8 mm से 1.8 mm तक होता है, लेकिन अलग अलग गाड़ी में अलग अलग वेरिएंट का जितने भी मॉडल है गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटर हो, उसमें अलग अलग गैप का अलग अलग मेजरमेंट। अब चलते हैं आखिरी और सेवेंथ पॉइंट पे, तो स्पार्क प्लग का साइज कितना होना चाहिए, मतलब इस साइज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जनरली दोस्तों स्पार्क प्लग का जितने भी मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग यूज होता है, तो स्पार्क प्लग का साइज 14 mm से 18 mm तक होता है। स्पार्क प्लग का साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है, फायदे भी हो सकता है, लेकिन फायदे बहुत कम है, नुकसान ही बहुत ज्यादा होता है। 150 cc के जो बाइक होता है, मतलब पल्सर होता है, अपाची होता है, और 110 cc का जो मोटरसाइकिल होता है, मतलब 110 cc का जितने भी मोटरसाइकिल है वो स्प्लेंडर होता है, प्लाटिना होता है, तो इन बाइक दोनों बाइक में क्या कंपेयर है। 150 cc का जो हेड का जो साइज होता है, और 110 मतलब 110 cc का जो हेड का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर आप गलती से भी अगर 150 cc का स्पार्क प्लग अगर आप 110 cc का बाइक में अगर इंस्टॉल कर देते हैं, और जैसे ही आप सेल्फ या फिर किक मारेंगे, तो उसी टाइम पे आपका जो वाल्व है वो बैंड हो जाएगा। लेकिन आप 110 cc का जो हेड का जो स्पार्क प्लग है वो आप 150 cc के हेड में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको इमरजेंसी सिचुएशन ओवरकम करने के बाद वो स्पार्क प्लग
आपको निकाल के सही स्पार्क प्लग आपको डालना होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अगर स्पार्क प्लग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर।